तो श्री राधा के पति तुम्हें हम नमन करें हर बार। लाज रखो संकट हरो हे राधा के भरता। तो संत हमारी आत्मा और हमें संत शिरमोर, सबको सीताराम है अपने अपने ठान। श्रवण कुमार ने जिस समय पिता को रोता हुआ देखा है, रोने लगे, कहने लगे, बाबूल ऐसी बातें न करो, मैं तुम्हारा बेटा हूं ना, बुढ़ापे की लाठी हूं, सेवा करने का मुझे मौका मिला है, मेरे अलावा तुम्हारा दुनिया में है ही कौन, इसलिए पिताश्री मैं तीर्थ कराने के लिए ले चलूंगा, जल्द ही तुम्हारे नेत्र अच्छे हो जाएंगे। माता पिता ने बहुत मना किया लेकिन श्रवण नहीं माने, श्रवण नहीं माने, और पालकी मंगा करके भैया कंधे वाली पालकी बनवाई है और माता पिता को बिठा लिया है उसमें। हुआ ऐसा के संग लए पिता और मात, अरे मात तीर्थ को चल भो तारी। माता पिता को तीर्थ कराने के लिए जिस समय श्रवण चले हैं, संग लए पिता और मात, अरे मात तीरथ को चल भो तपधारी। भारी खुशी श्रवण के मन में, और कुलदीप भारी खुशी श्रवण के मन में, हाँ माता पिता दो ले ले संग में, ए माता पिता दो ले ले संग में, बहुत खुश है श्रवण, बहुत खुश है, खुश है बेटा को गात, अरे गात तीर्थ को चल भो तपधारी। संग लए पिता और मात, अरे मात तीरथ को चल भो तपधारी। श्रवण ने माता पिता को लेकर के जिस समय आगे बढ़े और पीछे जब देखा है, अरे पीछे आई रही विद्या रानी, देखा है क्या उनकी धर्म पत्नी विद्या पीछे पीछे आ रही है, पीछे आई रही विद्या रानी, देख श्रवण को भई हैरानी, देख श्रवण को भई हैरानी, बोली कि पिया मैं भी साथ चलूंगी। श्रवण कुमार कहने लगे क्या पागल तो नहीं हो गई, तू कहाँ जा रही मेरे साथ,
अरे साथ तीरथ को चली भोत पधारी। संगले पिता और मात अरे मात तीरथ को चली भोत पधारी। एक बात मैं तुम्हें बताऊं, वास्तविक मैया बबुला की मैंने सेवा ना कर पाई। कही सजन तुमने ना जानी, और पिला सकी ना इन्हें हम पानी। विद्वान लोगों को कथन तो ये है, वास्तविक विद्या ने अपने सास ससुर की सेवा अपने जीवन में कबू नहीं करी। असली बात बता के बोली विद्या, पिता को पिला सकी ना मैं पानी। कहे सजन तुमने न जानी, पिला सकी ना इन्हें मैं पानी। और ना करियो मोसंग घात, अरे घात तीरथ को चली बहुत पधारी। याद रखना मेरे भैया, विद्या कहने लगी है महाराज मैं भी साथ चलूंगी, क्योंकि मैंने सास ससुर की अभी तक सेवा नहीं कर पाई है। श्रवण कुमार ने बहुत बहुत समझाया लेकिन विद्या ना मानी। आगे जिस समय बड़े हैं, सरयू के किनारे जिस समय पहुंचे हैं, उद्यालिक मुन और चंद्रकला ये श्रवण कुमार के माता पिताजी बोले हैं, बेटा श्रवण मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, बेटा पानी पिला दो। पालकी रखने के बाद श्रवण जिस समय तोवी लेकर के चले हैं, विद्या कहने लगी पिया हमें दे दो पानी लेने मैं जाऊंगी। विद्या पानी लेने चली है और जैसे ही सरयू में जल भरने के लिए तोवी को डुबाया, भगवान की ऐसी कृपा कि वो बर्फ में गलने लग गई। क्या थी भगवान श्रीहर की लीला, आवाज लगाती है, ओ मेरे प्यारे सजन मुसीबत जको न पाप से आई रे, ओ इन हाथन से माता पिता को पानी न सकी।
करी अंधन की याद के विद्या गई आसी डगलाई रे। अंतिम श्वासों में विद्या कहने लगी, हे परमात्मा मैं कितनी बड़ी अभागिन हूं, बदकिस्मत वाली औरत हूं जो सास ससुर की सेवा भी नहीं कर सकी, सेवा भी नहीं कर सकी। और इन तन से माता पिता को पानी न सकी पिलाई रे। अरे कर अंधन की याद के विद्या गई आसी डकलाई रे। आज विद्या बुरी तरीका से रो रही है और जिंदगी की अंतिम श्वासें ले रही है, वहीं पर विद्या का प्राणांत हो जाता है। काफी देर जब हो गई है, उद्यालक मनोचंद्रकला कहने लगे, बेटा श्रवण बहू अभी लौट करके नहीं आई, बात क्या है? देखा तो श्रवण की धर्म पत्नी का मृत शरीर पड़ा हुआ है। माता पिता को यह सूचना मिली है तो कहने लगे, बेटा तीर्थ तो हो गए, अब ऐसो करो मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। श्रवण ने उसी समय पालकी को फिर उठाया है और चल दिए हैं। जैसे ही आगे बढ़े हैं प्यास से बेचैन, माता पिता कहने लगे, बेटा अब तो एक घूंट जल के बिना हमारी जान जा रही है, जान जा रही है मेरे लाल। अरे बेटा पानी दिए पिलाई और मोको प्यास लगी अति भारी। बहुत सुंदर भैया, लाला मेरी जान जा रही है, मेरी जान जा रही है, एक घूंट पानी मुझे मिल जाए मेरे लाल, जान जा रही है मेरी। बेटा पानी दिए पिवाई मोको प्यास लगी अति भारी। साथियों सुनकर मात पिता की मानी, हाँ सुनकर मात पिता की मानी, श्रवण लेन चलो है पानी। आज श्रवण कुमार पालकी को बट वृक्ष के नीचे रख देते हैं और तोली लेकर के चले हैं जल लेने के लिए। चल के सरयू के तट आयो, हाँ चल के सरयू के तट आयो, हाथ कमंडल जल में डुबायो, हाथ कमंडल जल में डुबा।
श्रवण कुमार जल लेने के लिए गए हैं और जैसे ही धोबी को जल में डुबाया, आवाज भाई महाराज दशरथ वहां पहरा दे रहे थे, उनके मन में यह आया कि कोई हिरण आ गया है। हिरण समझ के बाण जैसे ही मारा, श्रवण कुमार के सीने में जाकर के लग गया और जैसे ही सीने में लगा है, हाय राम का शब्द कह करके श्रवण जमीन पर गिर गए। अरे तब दशरथ ने बाण चलायो, तब दशरथ ने बाण चलायो, बेटा के सीने में धायो, बेटा गिरो धरन गस खाई, मोकू प्यास लगी अति भारी, प्यास लगी अति भारी, प्यारे भाइयों श्रवण कुमार के सीने में बाण लग गया है। हाय राम का शब्द कह करके जमीन पर जब गिरे हैं, महाराज दशरथ समझ गए कि मुझे ये लगता है कि हमारे बेटा राम का सेवक कोई मेरे हाथों से मर चुका है। पास में जैसे ही गए हैं, श्रवण कुमार को पहचान करके कहने लगे, लाला तू यहां क्या करने आया? श्रवण कुमार कहने लगे हैं, मामा श्री मैं जल लेने के लिए आया था, लेकिन किस्मत मेरा साथ छोड़ करके चली गई। अब एक काम करो, ये जल लो और मेरे माता पिता बट वृक्ष के नीचे इंतजार कर रहे हैं, बहुत जोर से प्यास लगी है, उन्हें पानी पिला देना और मेरे बारे में यह मत बता देना कि बेटा दुनिया से जा चुका है। अंतिम श्वासों में कह रहा है श्रवण, मामा जल्दी जाओ। जल लेकर के जिस समय महाराज दशरथ पहुंचे हैं, खटखट की आवाज सुन करके अंधे और अंधी कहने लगे, बेटा श्रवण, अब श्रवण हो तो आवाज दे, आवाज कौन दे? महाराज दशरथ पालकी लेकर के जिस समय श्रवण के पास लाए हैं, वो हकीकत बता दी है, जीजाश्री तुम्हारा बेटा मेरे हाथों से संसार छोड़ करके चला गया। आज मैया बबुला ने अपने बेटा की लैस गोदी में रख ली और रोने लगे, बेटा ओ बेटा तू का गओ, ओ बेटा तुम कहाँ गए बेटा, ओ बेटा निक बोल सुनाए दे। लाला पिता को नेक बोल सुनाए दे, तू कहाँ चला गया मेरे लाल, कहाँ चला गया? ओ बेटा निक बोल सुनाए दे, मेरे दिल को निक धीरज बधाए दे, क्यों चुप मेरी गोदी में लेटा बेटा, तुम कहाँ गए बेटा।
साथियों, बेटा संसार छोड़कर के जा चुका था। अंधे और अंधी कहने लगे हैं, दशरथ चिता बनवाओ, मैं अपने बेटा के साथ ही अपने प्राणों की आहुति दूंगा, क्योंकि दुनिया में लला के अलावा मेरा सहारा है ही कौन, कोई सहारा नहीं है। चिता चिनवाई गई, आज बेटा के साथ अंधे अंधी भी चिता में बिठा दिए गए हैं। श्रवण की लेस को माता पिता की गोदी में रख दिया है और रो करके कहने लगे, हे दशरथ, मैं तो जा ही रहा हूं, लेकिन याद रखना तुम भी। और परमात्मा की याद करके कहने लगे, हे परमेश्वर, तूने कहा लिखी भगवान और किस्मत मेरी में, हे परमात्मा, सुख नहीं जाना अपने जीवन में, मैंने सुख नहीं जाना। तूने कहा लिखी भगवान किस्मत मेरी में, आस करी मैंने इकलौता पे, अरे बेउधूल मिले हैं अरमान किस्मत मेरी में, किस्मत मेरी में। तूने कहा लिखी भगवान किस्मत मेरी में, अंधे और अंधी कहने लगे, दशरथ मुखाग्नि दे दो, चिता में आग लगा दो। जैसे ही तीनों की चिता में आग लगाई गई है, अंधे और अंधी के मुख से केवल एक ही शब्द निकला, क्या? पुत्र वियोगमी ओ राजन जाते अब प्राण हमारे हैं, तैसे ही राजन तुम मरियो पाए पाए के दुख करारे हैं, आज पुत्र वियोग में हमारे प्राण जा रहे हैं, समय का इंतजार करो दशरथ, तुम भी पुत्र के वियोग में ही मरोगे। अरे त्रमूर्ति कैसिट जो प्यारी, घर घर धूम के दी है मचाई, वीरू पांडे जो आगुरा पाले ढोलक सुंदर जे रहे बजाई,
बच्ची मिटा पेरे लहरा।